अस्सलाम वालेकुम नज़र चौहान आपके साथ साहिल समुंदर से रबते में। आज मैं कोई दो तीन दिन के वक्फे के बाद रूहानियत पर वीलॉग कर रहा हूँ। दरअसल मैं बुनियादी तौर पर रूहानियत पर ही सिर्फ वीलॉग करना चाहता हूँ और अपनी प्रेजेंस और टाइम ज़्यादा इसी पर देना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मैं मजबूर हूँ कि मैं पॉलिटिक्स, करंट सिचुएशन और बताता तो मैं रूहानियत के पर्सपेक्टिव में ही हूँ, लेकिन स्टिल मेरा उधर टाइम, मैं वाशिंगटन में प्रोटेस्ट के लिए गया था, अब परसों मैं इंशाल्लाह न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट के लिए जाऊँगा। आप लोग भी इनवाइटेड हैं पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने 3 से 5 बजे तक जुमे के बाद। आप रिएक्ट ही कर सकते हैं और ये आपके बस में है, आपके हाथ में है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तानियों का इज्तमाई मिनहसुल कौम पलीती जो है उसको कोई नज़र चौहान, एक आधा और बंदा या कुछ 40 बंदे, 4000 बंदे धोना बहुत मुश्किल है। अनलेस यू ऑल कलेक्टिवली स्टैंड अप, यू ऑल रिएक्ट इस बदमाशी पे, इस गुंडागर्दी पे, इस झूठ पे, फ्राड पे और इंसानी कदरों के पामाल पे। आज रूहानियत के तबार से मुझे जो क्वेश्चंस आते रहे हैं मैं उनके हिसाब से आज कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखें, रूहानियत को इस तरह लिया जाता है कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फील्ड है, डिसिप्लिन है। लाइक मैंने जब वादतुल वजूद एक्सप्लेन किया एंड शहूद, तो बहुत एक दो लोगों ने कहा, काफ़ियों ने तारीफ की, एक दो लोगों ने कहा ओ जी ये तो कुछ और होता है, खैर आपकी मर्जी, आपने जो हम अजीब ही किस्म के लोग हैं, हम अकल ही नहीं इस्तेमाल करते हैं। आज मैं दो एस्पेक्ट्स पर बात करूंगा, एक तो अकल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा हाउ वसिफली वसिफ थॉट अबाउट दैट आई हैव बीन इन दिस कंपनी नंबर ऑफ टाइम्स। वासिफ साहब से मेरा अपना भी इस पे वही व्यू रहा है जो वासिफ साहब का है। एक्चुअली जब आप उस वेवलेंथ पे या उस फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं ना जिस पे वो लोग गए हुए थे, जिस पे मैं गया हुआ हूँ, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। फिर आपने ये नहीं कहते आप नज़र साहब पैंथीज़म का कह रहे हैं, आप मज़हब किधर है, फिर बहुत सारे मसले आप अपने आप को जब रूट कर लेते हैं कहीं। इधर मैं आपको एक बात बताऊँ बहुत सादा सी, उनसे पूछा गया कि ये जो ब्रेन है, ये अकल है और अकल सलीम या कॉमन सेंस जो दिल की में अकल, मेरे जैसे बंदे कहते हैं कि दिल में भी माइंड है, ये क्या फ़र्क है? अगर एक कोई सोच आती है, कोई अमर होता है, तो आप कहते हैं कि ये मैंने दिल से सोचा या मैंने अकल से सोचा, तो हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस थिंग? जैसा कि मैंने आपको अपनी टर्म्स में भी एक्सप्लेन किया जो मेरा फ़लसफ़ा रहा है एंड ही अप्रिशिएटेड, लेकिन उन्होंने भी एक बहुत अच्छी मसाल से, पैरेलल से इसको डिस्क्राइब किया। लाइक मैं तो ये कहता हूँ सादा सा कि ये ब्रेन कैलकुलेटर है। आपने जब कंट्रोल, मैनिपुलेशन, नेगेटिव प्रेमिस में जाना है तो ब्रेन बहुत यूज़फुल है, ठीक है ना जी। उससे आप 2+2=4 और इस तरह के मामला सेटल करते हैं। जब आपने रूह, आपने एक एहसास, एक फीलिंग उसमें जा रहे होते हैं ना, फिर आप दिल से ही सोच रहे होते हैं और दिल के मामलात ही सारे होते हैं। खुशू व खुजू से नमाज पढ़ना, दिल से इबादत करना, दिल से कोई चीज़ करना पैशनेटली, ये इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं तो ये मिसाल देता हूँ कि हिसाब किताब के लिए और रैशनलाइज करने के लिए, जितने गंद लोग हैं जैसे मुनीरा मिस्त्री रैशनलाइज कर रहा है फ्रॉड साहब बंदा सारे कि ये इन्होंने गंद किए, ये वो अकल का इस्तेमाल है। अदरवाइज दिल, मॉरल्स एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है इंसान का जिसमें दिल है। अच्छा, उन्होंने वासिफ अली वासिफ, हज़रत वासिफ अली वासिफ ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया जो मैं अक्सर इन टर्म्स ऑफ लव एंड सेंस, लव एंड ग्रेटिट्यूड पे भी कहता होता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आपके लिए बड़ा इजी है इसको डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना।
अगर आप चीज़ें देने वाले हैं, प्यार बांटने वाले हैं, खुशियां बांटने वाले हैं, अपने आप को स्प्रेड करने वाले हैं और उसके लिए आपकी अकल इस्तेमाल होती है, फिर वो दिल की अकल इस्तेमाल होती है। ठीक है ना जी। वो क्योंकि दिमाग तो कहता है जी आप भूखे मर जाएंगे, दिमाग तो कहता है नज़र साहब इन्हें क्यों चार पैसे देने, तो भूखा मर जाएगा। वो कार्ल मार्क्स इस तरह की बातें करता होता था। ठीक है ना जी। वो क्योंकि कार्ल मार्क्स उस प्लेन पे नहीं था, कार्ल मार्क्स इस प्लेन से बात कर रहा था और उसको इक्वेलिटी वो कह रहा था। ठीक है। तो वासिफ साहब फरमाते हैं कि जनाब अगर तो आप देने वाले मामलात कर रहे हैं ना, तो फिर आप दिल से, वो अक्ल सलीम है, वो कॉमन सेंस है। और अगर आप लेने वाले मामलात कर रहे हैं, नचोड़ना, लूटना, एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल, वो इस्तेसाल पार्टी बन गई है, तरीन टाइप, होर्डिंग, जखीरा अंदोजी, ये सारी चीज़ें, फिर दिमाग चाहिए आपका, फिर ये वाली अकल इस्तेमाल हो रही होती है। देने की सूरत में दिल, लेने की सूरत में क्योंकि आपने कंट्रोल करना है, मैनिपुलेट करना है, अगेंस्ट नेचर जाना है। ठीक है ना जी। तो इस हिसाब से वो वाली, ये वाली अकल इस्तेमाल होती है। तो मैंने कहा कि आपको वासिफ अली वासिफ साहब के मुताबिक समझा दूं। मैंने वैसे पहले समझाया था कि ये ब्रेन सिर्फ कैलकुलेटर टाइप है और हम जो मेडिटेशन करवाते हैं एक्चुअली हम ब्रेन क्लटर्स स्टॉप करते हैं। दूसरा एक अहम टॉपिक जो मैंने शुरू में भी बड़ी दफ़ा बताया है कि दिस इज बेसिकली एन ओवरऑल, रूहानियत इज ओवरऑल स्कोप, उसके अंदर सर्कल कैन बी रिलीजन्स, उससे फूट सकती हैं हर एक चीज़ें, एंड बियॉन्ड रिलीजन्स एक्चुअली इज रूहानियत। ठीक है। फिर सूफिया के बारे में बड़ा गलत समझा गया है कि ये शायद मुसलमान सूफियों के बारे में कहा गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखें ये जो सूफी लफ्ज़ सफ़ा, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब ने भी इस्तेमाल किया हुआ है, हम अहले सफ़ा मर्दूद हरम मसनत पे बिठाए जाएंगे, अहले सफ़ा और मर्दूद हरम, अहले सफ़ा, सफ़ा इज़ फ्रॉम सूफ़ी। ठीक है ना जी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो लोग उन पे ईमान लाए थे सबसे पहले वो अहले सफ़ा थे, वो सूफ़ी थे। और हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले उनकी जो इन चारों पैगंबरों की या बाकी पैगंबरों की रोशनी को फील किया वो अहले सफ़ा ने किया, वो सूफियों ने किया, क्योंकि वो उस वेवलेंथ पे थे, वो उस बैंडविड्थ पे थे, वो उस फ्रीक्वेंसी पे थे, वो वाइब्रेशन, उनका दिल ने कहा कि वो बंदा है, वो लोगों को बताने लगा है कि ये चीज़ें हैं, जॉइन हैंड्स विद हिम। ठीक है ना जी। और ये तो हमारे तो बड़ा कॉन्सेप्ट गलत है ना, पीर पंडित मरीज शरीद बना के और बदमाशी शुरू कर देता है। अदरवाइज इट्स फॉर ऑल लव एंड ग्रेटिट्यूड, इट वॉज टू स्प्रेड, विच अनफॉर्चुनेटली कुंड। अब आप देखें सेंट पॉल है, वो बड़ा एडमायर होता है क्रिश्चियन डम में, ही इज कंसिडर्ड एज क्रिश्चियन, ही वाजंट, सेंट पॉल वाज सूफी, अहले सफा था। सिमिलरली शाह शम्स तब्रेज, शाह शम्स तब्रेज को मुसलमान कहा जाता है, मोर देन मुसलमान एक्चुअली ही वाज सूफी, ही हैज गॉन बियॉन्ड रिलीजन। शाह शम्स तब्रेज मौलाना रूमी का हाथ ना पकड़ता तो रूमी कुछ भी ना होता, मैं आपको बताऊं, ही वुड हैव बीन नथिंग, इट वाज शाह शम्स तब्रेज जो उसने एनलाइट किया ये सारा। तो ये इस अंडरस्टैंडिंग में सूफिया अजल से थे, वो रोशनी अपने आप में लिए थे, और फिर इस्लाम में सूफीज्म का बड़ा हुआ, जाली सूफी भी बड़े बने। ठीक है जी। आज भी सूफीज्म जौन सा है उसको एक बड़ा अजीब, वर्लिंग दरवेशेज ऑफ इस्लाम, वो सही सूफीज थे। तो इस लिहाज से शाह अब्दुल लतीफ भटाई, मतलब उनका जो दम्बूरा अदा करना और वो वाइयों पे राग जो थे, उनकी सॉरी वाइयाँ थी, वो इतनी ज़बरदस्त है, आप कभी पढ़ें, सिंधी में है और सिंधी सीखें, मुझे तो खैर आती है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ों को
एग्जिस्ट होते हुए एग्जिस्टेंशियलिस्ट बन के लें, वो दे एग्जिस्ट, दे आर नॉट क्रिएटेड, दे डू नॉट नीड एनी वर्ड्स बाय नजर चौहान और वासिफ अली वासिफ और एनी एक्स वाई सी, ये तो एक फीलिंग है। आप इसे मेरे साथ जो बेस्ट अटैच्ड हैं एसोसिएट मेरे वीलॉग रूहानियत पर सुनने वाले, दे फील इट, दे फील इट के ये बंदा क्या कह रहा है, यू सी दे अंडरस्टैंड। वो क्योंकि उस स्पेक्ट्रम में गए हुए हैं, जो बाहर से देख रहे हैं वो मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं, जेलसी, हेट, एंगर, वो सारी चीज़ें ये अपनी नेगेटिव अप्रोच लाते हैं। तो लिहाजा मैंने आज आपको अक्ल सलीम का बताया क्या है वासिफ साहब से देने वाला, और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी यही है, खर्च करो, इज्तमाई खुद कफालत का, इज्तमाई खुद कफालत का अगर निज़ाम आ जाए तो मैं कहता हूँ कोई मुस्लिम स्टेट भूखी ना मरे। डिस्ट्रीब्यूशन दें, अपने पास तो कुछ रखे ही ना, ठीक है ना जी, जखीरा अंदोजी तो बहुत आगे की बात है। जब आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इसका मतलब है आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स आप देखें, पॉइंट का डिफरेंस इधर इंटरेस्ट रेट्स का कहाँ चले जाता है। और वर्स्ट इस्लाम में ये सूद वाला कारोबार था, ये सूद वाले लोगों ने इस्तेसाल किया हुआ था, जिस तरह ये अमीर लोगों ने, ये कार्टल्स हैं, ये सारे जो इमरान खान से अलग हुए और इमरान खान ने साथ मिलाया हुआ था, ये मटेरियल एग्जिस्टेंस, मटेरियल डोमेन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ मटेरियल डोमेन से निकलें, आप मटेरियल डोमेन से निकलेंगे आप इन सब का मुकाबला कर सकेंगे, आपको कोई फिक्र ही नहीं। मैंने अभी लगाया था कि ना मैं झुका, ठीक है जी, अब मेरे साथ मेरा खुदा रहा, मैं कभी भी नहीं झुका, ठीक है ना जी। तो लिहाजा आप उस डोमेन में चले जाएं, बेसिकली इंसान स्पिरिचुअल बीइंग है, ही इज नॉट अ फिजिकल बीइंग, फिजिकल बीइंग इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट, द रूह इन हिम है। देखिए ना, मैंने तो आपको इतने आसान तरीके से लाहूती वगैरह समझा दिया, और वासिफ साहब का दैट इज क्लासिक, मैं कहता हूँ आपके लिए कि नासूती ने क्या मुझके पहचाना, ठीक है ना जी, नासूती जो थी वो मुझे कहाँ पहचान, किस हाल में मुझे पहचाना, ठीक है ना, नासूती पहचान ही नहीं सकी। एक्चुअली तो लाहूती में जाना है जहाँ रूहें हैं सारी, या आप दिल में चले जाएं, मलकूती है, जुबरूती है आपकी इंडिविजुअल रूह, इंडिविजुअल लाइट, ये बड़ी चीज़ें आसान हैं, ये सिंपल हैं। और नजर चांद पे चढ़ाई ना करें खुदा के वास्ते, वो तो सादा चीज बता रहे हैं आपको। देखिए आप मेरे मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, कर सकते हैं, अगर मैं कोई कल्ट और इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर रहा हूँ, देखिए ना मैं कह रहा हूँ मैं पीर हूँ, बाबा हूँ, मेरी उस बैत में आए खलीफा चाहिए, नो नो नो, नॉट एट ऑल, मेरे से 100 मील दूर है, आई एम अ वेरी टफ मैन, आई एम वेरी एंग्री पर्सन, मैं मेरी एक अपनी दुनिया है, मैं उसमें रहता हूँ, मैं उसे इंजॉय करता हूँ, मैं एक कायनात के रक्स में एक शऊर मुकद्दसा के साथ, इस रूह के साथ मैं डांस करता हूँ। ये देखें ये समंदर, ये आज बिल्कुल खामोश है, आज हवा बहुत कम चल रही है, ठीक है, इधर एक कनाडा का जंगलों का स्मोक आ गया है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, स्पोकेन में रहता था कैलिफोर्निया के जंगलों का आ जाता था। देखें आपने इतनी ज़्यादा पोल्यूशन कर दी है कि आपने कुदरत से पंगा लिया है, वो वेदर डिस्टर्ब कर दिया है, और वो इस तरह समझें कि आपने इधर आग लगाई है तो इधर बहुत सारी पोल्यूशन हो जाएगी, धुआं होगा, उससे थोड़ी दूर मामला ठीक होंगे, ठीक है ना जी। तो लिहाजा आप इन चीज़ों के बारे में सोचें ज़रा, आप रूहानी बींग है, रूहानियत को सुपीरियर फॉर्म में लाएँ, कोई नहीं, रूह रूह को स्ट्रॉन्ग करें, रूह को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अकल आपको रोकती है, अकल आपको कहती है टू बी सेल्फिश। मैं एक दफ़ा मेरी एक बैचमेट फ्रांस में गई एज अ थर्ड सेक्रेटरी, उसने मुझे ख़त लिखा, उन दिनों खदशत होते थे, आई एम टेलिंग यू ऑफ 84 तो फोर, उसने कहा मैं इधर थर्ड सेक्रेटरी लगी हूँ, तो एक जो थर्ड सेक्रेटरी को मैंने रिप्लेस किया है पेरिस में, वो अपना अभी घर उसने खाली नहीं किया है, तो कहते ही मैंने इधर अपने एम्बेसी को कहा कि प्लीज़ कोई मेरा अरेंज करें, तो कहते चौहान लिटरली आई वॉज ऑन द रोड,
आई वॉज ऑन द स्ट्रीट फॉर 2-3 डेज, सच अ कैलसनेस। और कहती लेकिन उसने एक जुमला लिखा जो आज तक मुझे याद है, 1983 में गालबन लिखा था, फोर में, टू बी सेल्फिश इज टू बी सेंसिबल। ये दिल नहीं कहता है, दिल कहता है टू बी सेल्फलेस इज जन्नत, एल्ट्रुइज्म इज जन्नत। एंड रैंड कहती थी बी एल्ट्रुइज्म इज सिन, जन्नत इज टू बी सेल्फिश। इधर रैंड थिंक टैंक भी है, ट्रंप वगैरह भी रैंड फिलोसफी में रहे हैं, वो एक अलग थॉट है, वो मटेरियल एक्सेलेंस की बात करता है। मटेरियल एक्सेलेंस, मटेरियल वर्ड में जो एक्सेलेंस है, यस आई अप्रिशिएट एंड रैंड हैज डन अ लॉट, बट आई एम इनटू स्पिरिचुअल एक्सेलेंस, जो ओवरऑल डोमेन है जिसमें हमें रहने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में, मैं आपको कहता हूँ खुदारा, सबसे पहले तो अपने आप को लोकेट करें कि आप किधर हैं, लेकिन आप देखें कि किधर हैं आप, आपका गैलेक्सीज के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे आगे, कोई ऊपर से तो नहीं गिरे। वालदा से कभी पूछा है कि क्या है, आपके कबाइल कैसे थे, आप किधर से हैं, क्या मामलात हैं, वो आप हिस्ट्री पढ़ें, आप देखें, आदम का पढ़ें, वो उसका पढ़ें, अपना जो थेरीज हैं ऑन एवोल्यूशन, जो जितनी थेरीज हैं वो सारी आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ें, डार्विन की थेरियाँ पढ़ें, फ्राइड को आप पढ़ें, इन चीज़ों में अपने आप को प्लेस तो यार कहीं करें। जब तक आप अपने आप को प्लेस ही नहीं कर सकते, यू विल बी अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉस्मिक डांस। सेकंड आप ये हैं कि एक तो आप इससे रिलेट कर रहे हैं गैलेक्सी ज्योग्राफिकली, एक स्पिरिचुअली भी अपने आप को रिलेट करें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं होलोग्राफिकली। अब आप देखें, आज मैं सुबह आदिल के साथ आई वॉज थिंकिंग कि होलोग्राफिकली हम प्रेजेंट हैं, आप लाइव स्ट्रीम आती है, आप उस पर प्रेजेंट होते हैं। चीज़ें बहुत सादा हैं, उनको कॉम्प्लिकेट कौन करता है, उनको कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स पोजिशंस में दुकानें चलाने वाले जाते हैं, मदाप्रस्त ले जाने वाले जाते हैं, कंट्रोल वाले, मैनिपुलेशन वाले उन्हें उधर लेके जाते हैं। मेरे जैसे तो बंदे कहते हैं यार ये सादा सा काम है, हमें पूछ लें यार क्या मसला है, हम सारी गुथियाँ सुलझा देंगे। इनको कॉम्प्लिकेट आपने शिजम्स में, इजम्स में, ये जो इतने सारे फिरकावारियाँ हैं, इन सब में कर दिया, ठीक है ना। अपना बहुत ख्याल रखें, ये थोड़ा सा तफसीली मैंने कुछ बेसिक्स आपको समझाई हैं, इस बेसिक पर्सपेक्टिव को ठीक करें। जब तक आप ये ठीक नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। मैं तो रूहानियत भी नहीं कहता, दिस इज अ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। हम अहले सफ़ा मर्दूदे हरम, हम अहले सफ़ा मर्दूदे हरम, मसनत पे बैठाए जाएंगे, देखे ना, जब ताज उछाले जाएंगे और वो उसके पहले है, हम देखेंगे फैज अहमद फैज साहब का मसनत पे, हम अहले सफा मर्दूदे हरम। हमको तो पागल कहा जाता है यार, इडियट्स कहा जाता है ना हमें, वो हम देखेंगे में फैज अहमद फैज साहब कह रहे हैं कि हम मसनत पे बिठाए जाएंगे। और फिर उन्होंने आखिर में कहा कि लगेगा अनल हक का नारा, अनल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, यू सी। और खुदा के बारे में, अल्लाह के, ठीक है, जो हाजिर भी है नाजिर भी है। अपना बहुत ख्याल रखें, कल तक, कल हो सकता है मेरे पास, जब मैं रिलैक्स उठता हूँ, आई कैन डू स्पिरिचुअल वीलॉग्स, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अल्लाह ने के मान।